हेलो दोस्तों, देखिए सब्जी हमारा बन गया। आलू बैंगन टमाटर वमाटर डाल के सब्जी बना रहे हैं। सब्जी तो यहाँ मिलता नहीं है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि आज हमारा 5 दिन हो गया यहाँ, और जैसा ट्रांसपोर्टर है वैसे ही प्लांट वाला ये सिस्टम है कि पता नहीं प्रॉब्लम क्या है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए सब गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी अभी छोटा है, वो गाड़ी तिरपाल उपाल बांध लिया है, वो गाड़ी तिरपाल बांध रहा है, उधर वाला गाड़ी लोड हो रहा है, हमारा गाड़ी लोड नहीं हो पा रहा। पता नहीं जहाँ का माल है वो पार्टी पैसा भेजा है कि नहीं भेजा है, क्या प्रॉब्लम है ये लोग क्लियर बता नहीं रहा। बस इतना बोल रहा है कि हाँ आज लोड हो जाएगा गाड़ी, आज शाम तक लोड हो जाएगा, तो सुबह में लोड हो जाएगा। ऐसे कर करके आज हमारा 5वां दिन हो गया। इतना तो क्लियर है कि मान लीजिए सब कोई जानता है कि ट्रांसपोर्टर झूठ बोलता है लो, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ बोलता है लो, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए। 2 दिन बोला हो, हम फ्राइडे को आए, शुक्रवार को जुम्मा का दिन था, उस दिन आए बोला कि आपका शनिचर तक लोड हो जाएगा। शनिचर हो गया, इतवार हो गया, सोमवार हो गया, कोई खबरें नहीं है। अब देखो क्या होता है। शाम तक बोला कि लास्ट आपका शाम तक लोड हो गया। आज हम बोले कि गाड़ी हमारा बाहर निकाल दो, नहीं लोड होगा तो हम लोग चले जाएंगे भाई, दूसरी जगह से लोड करेंगे। तो बोला नहीं नहीं, अब पहले क्या किया, गलती हमसे भी हो गया कि पहले इन लोग का जो कमीशन होता है ट्रांसपोर्टर का, वो हम लोग क्योंकि उसका उल्टा साइड में था ऑफिस, और हम यहीं से लोड करके इधर से निकल जाएंगे, तो बोला कि फिर वापस आओगे तो दिक्कत होगा, आप हमारा जो कमीशन बन रहा है आप यहीं दे दो। यही गलती हुआ कि कमीशन हमको पहले नहीं देना चाहिए था, उसका जो भी 1200-1500 रुपये कमीशन होता है ट्रांसपोर्टर का, यही लोड हो जाता उसके बाद हम देते हैं, या एडवांस करके या जैसे भी करके भाड़ा जब हम लोग को मिलता है उसमें कटवा देते हैं, तो सही था। अब यहाँ से जा रहे हैं तो बोल रहा है कि ठीक है आप जाओ, जाना है तो चले जाओ, अब पैसा फिर फंस जाएगा। ये गाड़ी भी काफ़ी डिटेन हो गया। ट्रांसपोर्ट का नाम है श्री बालाजी, आपका गोरखपुर गिड्डा जाइएगा तो बाईपास नहीं है उसका। भूल कर भी हम बता रहे हैं कि इस ट्रांसपोर्ट का माल आप लोग मत लाइए, जो भी गाड़ी हमारा चाहे कहीं का भी अगर इस श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट से अपलोड कर रहे हैं तो इसका माल आप मत लाइए, क्योंकि अगर माल ले रहे हैं तो पता नहीं, हम तो पहली बार लोड कर रहे हैं, पेमेंट कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इतना आपको फंसाएगा ना। क्योंकि एक और गाड़ी था 5 दिन के बाद, बेचारा वो यहीं का गाड़ी था, 5 दिन के बाद वो खाली चला गया, और हमारा देखिए क्या हो रहा है, इतना मतलब कि दिमाग। बारिश हो रहा है तो गाड़ी भींग जा रहा है, तिरपाल ऊपर सब भींग जा रहा है, क्योंकि मैदा सूजी अगर लोड कीजिएगा तो अगर भींगा हुआ रहेगा तो आपका मालिक खाली नहीं होगा, सारा भाड़ा कट जाएगा, ऊपर से आपको भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपका माल सुरक्षित रहे और सेफ रहे, ताकि भाड़ा ना कटे। तिरपाल और उपाल हम लोग जो भी सुखा के गाड़ी के ऊपर ही रखते हैं, बारिश होता है तो भींग जाता है, अभी बारिश होगा तो जगह वहाँ है तो ले आकर लगा देंगे, अभी लोडिंग में 2-4 गाड़ी वहाँ लग जाएगा तो फिर गाड़ी भी लगाने का जगह नहीं है, यहाँ बारिश होगा तो गाड़ी भी पूरा डाला भींग जाएगा, तिरपाल भी भींग जाएगा। सूजी जो होता है सूजी, उससे थोड़ा पतला दाना है, इसको रावा बोलते हैं, रावा बहुत ही बेहतरीन है। पता नहीं किस चीज़ में यूज होता है, हमको लगता है कि जो छेना पुड़ो बनता है ना उड़ीसा में, मिठाई उठाई उसी में ज़्यादा ये मिक्स होता होगा, या फिर इडली उटली जो बनता है, यानी ये फटा हुआ था तो यहाँ पे गिरा है, ये देखिए यहाँ गिरा हुआ, देख रहे हैं ये किस काम में आएगा ये हमको पता ही नहीं। यही लोड हो रहा है, थोड़ा सा और बचा है, सब लोड हो गया, लोड हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे बांधा गया है ताकि पानी ज़्यादा से भी जा ना सके, एक नीचे है ये है, एक उसके ऊपर तिरपाल है, क्योंकि साइड में खिड़की कटा हुआ रहता है ना इसका, ऊपर तक बांधेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पीछे भी कवर है दोनों साइड, मतलब कि ऐसे ही उधर गाड़ी लगा हुआ है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये क्या उसको बोलते हैं, ना सूजी है ना मैदा है, ये दोनों के बीच का है, मीडियम साइज है, रावा बोलते हैं, रावा देखिए इस साइड में इधर दिख रहा है, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा तिरपाल खुला हुआ है। इतना फेरी रोड है ये, देख सकते हैं, और ये कहाँ घुसा हुआ है गाड़ी, इसके अंदर लाके घुसा दिया है।
यहाँ बिरे को एक मारा है बेचारा और क्या देख रहे हैं चिन्हा वाला उतरा है और कहीं ने गाड़ी खींच लिया है उसका डिवाइडर से। हेलो दोस्तों, गाड़ी यहाँ पे खड़ा किए हैं, ये है आपका टोभी, ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर है। टायर गर्म हुआ तो थोड़ा ठंडा करने के लिए खड़ा किया, क्योंकि यहाँ सब उठानी है उठानी है, नहीं भी है तो मान लीजिए तकरीबन 8-10 किलोमीटर है, पूरा उठानी है। देख सकते हैं दोनों साइड में पूरा जंगल ही जंगल है, लेकिन रोड अभी चौड़ा कर दिया है, पहले सिर्फ उतना टू लाइन था, अभी ये एक्स्ट्रा बन गया है और आगे जो घाटी है वहाँ भी बना नहीं है, बन रहा है। ये देख सकते हैं पूरा दोनों साइड जंगल है, रस्सी हमारा ढीला हो गया है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत हल्का सा टाइट करेंगे।